प्रभु श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी का पावन त्योहार को मेरठ की जिला जेल में कैदियों और जेल अधीक्षक ने इस त्योहार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच मेरठ की जेल में भी पावन त्योहार को पूरे जोश और खुशी के साथ मनाया गया। जेल के अंदर मौजूद बंदी ना सिर्फ रंगोली और साज सज्जा करते हुए दिखाई दिए, बल्कि बकायदा जेल के अंदर भजन कीर्तन भी करते हुए नजर आए। तो आइए आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी जेल जहां जन्माष्टमी के पावन त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी के इस पावन त्योहार पर अलग अलग मंदिरों के प्रांगण में जन्माष्टमी का पावन त्योहार जरूर मनाया गया, लेकिन ये नज़ारा है मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार का। और जन्माष्टमी की खुशियों को एक दूसरे के साथ बैठकर हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन करते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो जेल के अंदर अपनी सजा काट रहे वही बंदी हैं जिन्हें अपराध के लिए जेल में बंद किया गया है। बकायदा जेल के कैदियों ने जेल के दीवारों के साथ साथ जेल के फर्श पर भी साज सज्जा करते हुए रंगोली बनाई है, साथ ही जेल के दीवारों को रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया है। जेल के भीतर कैदियों के बीच मनाए गए जन्माष्टमी के पर्व को लेकर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। उसी से प्रेरणा लेते हुए जिला कारागार में बंदियों ने जन्माष्टमी के पावन पर्व को इस तरह से मनाने की चाह रखी, जिससे जेल प्रशासन ने पूरा कराया। साथ ही वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में 2622 बंदी बंद हैं। ऐसे में 909 बंदियों ने जन्माष्टमी के अवसर पर व्रत रखा था, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदियों ने बड़े उत्साह के साथ जेल की दीवारों पर पेंटिंग बनाई और जेल के अंदर मौजूद प्रांगण में रंगोली भी बनाई, और बंदियों ने जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। 2622 बंदी आज की डेट में कारागार में निरुद्ध हैं, जिसमें से 909 बंदी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर व्रत हैं, उसमें 75 महिलाएं आज व्रत हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। सर, जैसा कि देखा भजन कीर्तन, उसके बाद में प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है और पेंटिंगें भी बनाई गई हैं, कितना उत्साह दिखाई दिया आज? बंदियों में बहुत उत्साह है, बहुत ही उत्साह है। बंदियों को मैंने बधाई भी दी है कि ईश्वर करे जो अगला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर हो, ये बंदी बाहर मनाएं, यहाँ से छूट करके जाएं और बाहर मनाएं। तो प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था की गई? किस तरीके खान पीन का व्यवस्था है, जैसा फास्ट है, किस तरीके से आपसे व्यवस्था की गई? जैसा कि वीडियो में भी देखने को मिल रहा है आपको, और CCTV कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है, बंदी हमारे सब सुव्यवस्थित ढंग से, ठीक ढंग से हैं। शासन द्वारा जो निर्धारित है उसके अंतर्गत उनके प्रसाद का और जो व्रत हैं उसके पारायण का पूरा इंतजाम किया गया है, जिसमें फल फ्रूट्स और दूध पूरा इंतजाम है। मेरठ से माय भारत के लिए आदिल रहमान की रिपोर्ट।